सब टीवी के सुपरहिट शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सिंपल और क्यूट सी नजर आने वाली माधवी भाभी रियल लाइफ में काफी हॉट हैं। इस वीडियो में हम आपको माधवी भाभी की ऑफ स्क्रीन लाइफ के बारे में बता रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लाइफ जयते। कई सालों से टेलीविजन इंडस्ट्री पर राज कर रहे कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में यूं तो सभी कलाकार काफी स्पेशल हैं, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े की वाइफ माधवी भाभी सभी को खूब भाती हैं। भारतीय परिधान साड़ी में वो काफी सुंदर नजर आती हैं। माधवी भाभी का रियल नेम सोनालिका जोशी है। उनका जन्म 5 जून 1976 को मुंबई में हुआ था। सोनालिका ने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, लेकिन बचपन से ही उन्हें एक्टर बनने का शौक था। एक्टिंग की शुरुआत उन्होंने मराठी थिएटर शो से की। मराठी फिल्म वारस सरच सरस में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है। सोनालिका की शादी वर्ष 2004 में बिजनेसमैन समीर जोशी से हुई। उनकी एक बेटी आर्या है। सोनालिका मुंबई के कांदिवली में काफी पॉश इलाके में रहती हैं। वर्ष 2008 में सब टीवी पर शुरू हुए शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनालिका को बड़ा ब्रेक मिला। उन्हें माधवी भाभी का किरदार निभाने का मौका मिला। शो में वो काफी सिंपल और शालीन नजर आती हैं, लेकिन उनका ये लुक दर्शकों को इतना पसंद आया कि वो सबकी चहेती बन गई। असल लाइफ में सोनालिका काफी हॉट नजर आती हैं। उनकी बीड़ी पीते हुए एक मॉडलिंग पिक्चर काफी वायरल भी हुई। माधवी भाभी यानी सोनालिका को ट्रैवलिंग और डांस करना बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, लाइफ जयते से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए।